अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास नए प्रोजेक्ट है टोयोटा विट्स 2002 मॉडल। अच्छा, इसमें मसला ये आया कि इसने रिवर्स काम छोड़ दिया है। अच्छा, रिवर्स काम छोड़ने के दो तीन वजूहात होते हैं। सबसे पहले इसका जो है रिवर्स का किट अंदर बैठ जाता है, जल जाता है। दूसरा, इसमें प्लेट आ जाती है, रिवर्स वाली प्लेट, वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। और जो है इसमें एक सोलनाइड होता है, वो स्टक ऑफ हो जाए तो इसका रिवर्स काम छोड़ देता है। तो इस गाड़ी में मसला ये था कि जी, इसने बिल्कुल रिवर्स काम छोड़ा हुआ था। सुबह के टाइम पर हल्का सा इशारे में चलते थे, फिर जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर पर आ जाए, बिल्कुल ये जो है ना न्यूट्रल हो जाती है रिवर्स में। तो आपको ये करना है कि गियर उतारने की ज़रूरत नहीं होती है, लगे लगे गाड़ी में से जो है ना हम इसका जो है ना ये फॉल्ट दूर कर सकते हैं। अच्छा, पहला स्टेप ये है कि आप जो है गाड़ी का व्हील खोलेंगे, लेफ्ट साइड व्हील, फ्रंट लेफ्ट साइड व्हील खोलेंगे। सबसे पहले ये व्हील खोलने के बाद इसमें फाउंडेशन आया हुआ है, यहाँ पे ये गियर साइड का फाउंडेशन है। यहाँ पे दो बोल्ट आते हैं, नीचे आप जेक लगा दें। अच्छा, ये दो बोल्ट खोले, जेक को आराम से उतारें, ये आपको नीचे आ जाएगा, वाजा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लगता है जी, इसके अंदर यहाँ पे जो है ये रिवर्स का प्लेटें भी इसी के अंदर है, इस चीज़ के अंदर। और इसमें डबल टॉप यानी जो है ओडी का ऑप्शन भी इसी के अंदर है। तो ये मैं खोलता हूँ। अच्छा, इससे पहले ये आएगी जो ये वाली प्लेट, ठीक है? तो ये प्लेट इसमें मैंने खोला हुआ है, चूँकि मैं आपको दोबारा ज़रा बताता हूँ। इसमें इस तरह ये लगी होती है, इसमें 12 के बोल्ट हैं, 7 बोल्ट वो खोलेंगे तो ये प्लेट आसानी से बाहर आएगा। उसके बाद जो है आपने इसका ये किट खोलना है जी, मुकम्मल इसका ड्रम निकालना है, जिसमें रिवर्स और ओडी का भी ऑप्शन होता है। तो माजरत, मेरे पास कोई असिस्टेंट फ़िलहाल नहीं है, तो मैं खुद ही इस पे काम कर रहा था, तो मैंने मोबाइल ज़रा होल्ड रखना पड़ा। अच्छा, ये है जी इसका किट, ये किट आएगा इस तरह इसके अंदर, ठीक हो गया। तो इसमें अभी मैंने ये प्लेटें खोल के भी चेक किया है, एक प्लेट को हल्का सा बरंट हो गया है, लेकिन ये चल जाएगा क्योंकि अंदर इसका किट भी ठीक है, सारे प्लेटें नीचे के भी ऊपर के भी ठीक है। अच्छा, रिवर्स काम क्यों नहीं कर रहा था उसका मैं वजह आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, माजरत, फिर ये रिवर्स जो है इसलिए काम छोड़ा हुआ था इसने कि आप इसके ये किनारों के ऊपर आप गौर करें। ये दो रिंग आते हैं यहाँ पे, हार्ड टेफ्लोन, इसके टेफ्लोन के बिल्कुल हार्ड इसके रबड़ के रिंग आते हैं, स्पेशल मटेरियल से बने हुए। अगर आप लोगों को ये मेरा असल में कैमरा कुछ सही नहीं है, वाज़ा नहीं दिखा रहा है, ये यहाँ पे जहाँ पे ये रिंग बैठते हैं ये जगह कट जाते हैं, बिल्कुल दारी हो गई। नीचे का इसका रिंग का जगह बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला जगह ये देखिए बिल्कुल कटा हुआ है, ये रिंग भी बाहर निकला हुआ था इस तरह। तो यहाँ से ये प्रेशर रिलीज़ करेगा तो रिवर्स को ड्रम को ऑयल नहीं मिलेगा, तो रिवर्स नहीं चलेगी। ये है जी इसका असल फॉल्ट ये था। अभी हम ये प्लेट दूसरा चेंज करेंगे, किट वही रखेंगे तो ये बेहतरीन रिवर्स इसमें आएगा पहले की तरह। तो इसको फिर मैं जो है ना बाद में ये मैं प्लेट शलेट लगा के इसको क्लियर करके मैं चला के भी आप लोगों से चेक करूँगा इंशाल्लाह। हेलो गाइस, फॉर इंग्लिश व्यूअर्स आई हैव मेड ए वीडियो फॉर यू। हियर इज द विट्स 2002 मॉडल, वी हैड ए रिवर्स प्रॉब्लम हियर। I want to share with you what the problem here we actually when before access to this thing you have to remove the front left hand side wheel
Then Jacob is here. Here is a foam mountain with two bolts. Remove them. After that, you have to remove the jug slowly. Then this area will be visible to you. After that, you have to remove this plate. This plate fits here with 12 mm bolts. After that, you have to remove this drum. This fits inside here like this. Okay guys, here one plate, one clutch plate inside here is burnt. Although I will check it. The problem here, main problem, why this car has lost reverse, because of this plate. Here you can see two oil rings, oil seals. One is better and one is totally damaged. The ring wear fits in this area. This is totally damaged. That's why this ring was out of its way. And it's release pressure here. So reverse drum can't get oil. So we have to replace this plate with brand new. This plate is damaged inside here. This was the fault. That's why in this car we have lost reverse. Now I'm going to buy some new parts for this. Only we need this plate. It's better if you change the whole this part also, whole the reverse drum kit. But this is good, in good shape. It is not totally burnt. This will work on this. We have to only replace this plate. Inshallah, this car will get its original reverse after doing this job. Hope you like my video.